टॉपिक का नाम है पाथ रेफरेंस इन YDSC। हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर ये दो स्लिट्स हैं, पी पॉइंट है, एक्स दूरी पे है, हम डेरिवेशन में किया था पाथ डिफरेंस बी पी माइनस ए पी करके बाइनोमियल पाइथागोरस लगा के, ये पाथ डिफरेंस मैंने करवाया था, प्रूफ भी करवाया है और फॉर्मूला भी काफ़ी बार यूज हुआ। ठीक, अब एक चीज़ देखो, सपोज करो पी पॉइंट ने यहाँ पे एंगल जो बनाया वो बनाया थीटा, बनाओ लाइन इसके सेंटर पे, पी पॉइंट ने जो स्ट्रेट लाइन है उसके सेंटर पे एंगल क्या बनाया, थीटा। ठीक है यहां तक, तो पाथ डिफरेंस होता क्या है? देखो पाथ डिफरेंस होता है कि नीचे वाली वेव ने ऊपर वाली वेव के मुकाबले कितनी दूरी कवर की, कितना डिस्टेंस कवर किया, वो पाथ डिफरेंस है। राइट, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक काम करते हैं, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ये लो ये मैंने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो जब मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो मुझे एक चीज बताओ कि यहां से लेके यहां तक पी तक और पी से लेके यहां तक का डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम है। तो नीचे वाली वेव ने इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर लिया एज कंपेयर टू ऊपर वाली वेव, और इस एक्स्ट्रा डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस। ठीक, इस एक्स्ट्रा डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस। ठीक है, अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये ज्योमेट्रिकली मैथमेटिकली प्रूव भी किया जा सकता है, ये एंगल भी थीटा ही आएगा। मैं एक लाइन में ऐसे प्रूव कर सकता हूं कि इमेजिन करो कि थीटा जीरो है, अगर थीटा जीरो है तो ये पी पॉइंट कहां पर आ जाएगा, सेंटर पे, और ये वाली लाइन कैसी हो जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट, और दोनों वेव यहां पर आके मिलेंगी। तो आप चेक कर सकते हो थीटा एकदम बराबर है इसमें। अब ये बताओ कि अगर ये डिस्टेंस डी है, स्मॉल डी है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो साइन थीटा क्या होगा, दिस अपॉन डी, तो ये डिस्टेंस पता है क्या आएगा, डी साइन थीटा। तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या आएगी, डी साइन थीटा। तो पाथ डिफरेंस में डी साइन थीटा। अब ये बताओ इस राइट एंगल ट्राइंगल में टैन थीटा किसके इक्वल है, टैन थीटा इक्वल है एक्स अपॉन डी, चेक कर लो, एक्स अपॉन कैपिटल डी। एंगल अगर छोटा है तो थीटा कैन बी रिटन एज एक्स बाई डी, एक ही बात है, टैन थीटा थीटा एक ही बात है, और अगर एंगल छोटा है तो साइन थीटा को भी क्या लिखा जा सकता है, थीटा एक ही बात है, और थीटा किसके इक्वल है, एक्स अपॉन डी, तो यहां पर क्या आएगा, एक्स अपॉन डी, आंसर आ गया सेम। मजे की बात है, दो लाइन में आ गया, खाम खाई बाइनोमियल लगा पाइथागोरस लगा कर रहे थे, तो दो लाइन में वैसे खत्म हो गया। कर सकते हो ऐसा, प्रॉब्लम नहीं है, कोई पेपर में आ जाए तो फटाफट इस तरीके से भी कर सकते हो, पार्ट डिफरेंस एक मिनट में आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि पार्ट डिफरेंस निकालने का क्या नया तरीका है। ठीक, तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पार्ट डिफरेंस, याद रखना।